आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये चले गए हैं, आज मेरी भांजी का पक्की थी तो वहाँ पे गए हैं। तो इनके जाने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, यानी आज मैं करूँगी बैठक वाला रूम को साफ़। तो सबसे पहले साफ़ करने के लिए ना मैं सोफ़ा को साइड में कर लेती हूँ, क्योंकि इनके पीछे भी ना काफ़ी गंदगी लग जाती है, जिसे हम बार बार रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाते। जैसे दिवाली वगैरह, होली वगैरह, ये फेस्टिवल आते हैं तभी हम करते हैं। तो मैंने सोफ़ा वगैरह को साइड कर दिया है। तो ना मैंने थोड़ा सा जाला लगा हुआ देखा, तो उसे मैं झाड़ू से मार लूँगी। तो उसे तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया, तो कोने कोनों में भी ना बहुत छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये जो इस पे पर्दे लगाते हैं, ये पर्दा वाला पाइप था, तो इसी को मैं बस साफ़ कर रही हूँ। इस पे भी काफ़ी धूल डस्ट बैठ जाती है, तो पता है बार बार नीचे चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमारा घर है, हम रहते हैं, तो करना भी हमको है। तो ये खिड़की वगैरह को मैंने गीला कपड़ा नहीं है उस पर कॉलिन सा, मैं खूब सारा कॉलिन डाल लेती हूँ ताकि ना कोई नुकसान ना हो लकड़ी को, इसलिए। तो ये मैं चारों तरफ से खिड़की को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने शीशों पे भी हल्का हल्का कॉलिन मार दिया था। और ये पोलोथीन ना मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब इस खिड़की पे हम पर्दे लगाते हैं ना, तो चिपकली वगैरह काफ़ी आ जाती हैं, तो वो गंदा करती हैं, इसलिए। तो ये बाहर वाली खिड़की पे आ जाती है। तो ये खिड़की ना इतनी टाइट लग गई थी, खुल नहीं रही थी, तो मैंने इसे बेलन की सहायता से इनको खोला। ये देखिए मैं कैसे खोल रही हूँ इनको, तो काफ़ी टाइट लग जाती है, क्योंकि मैं ना कभी कभी इन खिड़कियों को करती हूँ जब ज़्यादा मुझे लगता है ना कि इन पर अब ज़्यादा डस्ट बैठ गई है, तो तब होता है। नहीं तो डेली यूज के कामों में इतनी टाइम नहीं मिल पाता कि हम इन्हें रोज़ रोज़ करें। तो ये वाली जो खिड़कियाँ थी ये मेरी काफ़ी गंदी थी, क्योंकि ये जो खिड़कियाँ हैं ना ये बाहर की तरफ पड़ती हैं, तो इनमें कम से कम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब ये मेन गेट के ऊपर जो पाइप लगा था मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है, मतलब ये जॉइंट पाइप दिया हुआ है, मतलब मेन गेट के ऊपर भी, खिड़की के ऊपर भी। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ खिड़की वगैरह पे। हम ना छोटी छोटी चीज़ जो होती है हमारी, उनको तो हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन जो जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, बड़ी मुश्किल से मैं कैसे कैसे चढ़ के कैसे कैसे साफ़ कर रही हूँ, आप लोग देखना आगे आगे। तो बस ये उसके बाद आती हूँ मैं पंखा साफ़ करने, और आप कहोगे मैं किस पे खड़ी हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे काम कभी नहीं दिए, मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो काम खुद कर सकती हूँ ना, वो मैं उनको फोर्स नहीं करती। या जेंट्स लोग बाहर के काम, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उन लोगों के ऊपर, हम घर का तो कर ही सकते हैं। तो हमेशा मैं पंखा वगैरह खुद ही साफ़ करती हूँ, और मैं चढ़ी थी वॉशिंग मशीन पर, तो मैंने ना इस पर ज़्यादा जोर नहीं रखा हुआ था, हल्का ऐसा जोर रखा हुआ था। तो ये भी थोड़ी सी, इसको भी मैं साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। ये दुपट्टे से हमेशा कवर रहती है, वैसे तो इस घर में मैं जब से आई हूँ ये मशीन चली ही नहीं है, मैं हाथ से ही सारे कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो इसको भी मैंने चारों तरफ से साफ़ कर लिया है। अब मैं ये जो मेरी सीनरी वगैरह लगी हुई है, मैं इनको क्लीन कर दूँगी। तो मैं ना ऐसे ऐसे नीचे हटा के देख रही थी, कभी कभी क्या होता है हमारी सीनरियों के नीचे भी ना काफ़ी कभी धूल धक्कड़ सी हो जाती है, तो मैं देख रही थी दीवार पे है तो नहीं, तो उस पे नहीं, किसी पे भी नहीं था, क्योंकि मैं ये सीनरी वगैरह को तो हमेशा हफ्ते में या कभी कभी रोज़ भी, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं इन पर हाथ मारती रहती हूँ। तो मैंने ये दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया है, तो दरवाजे को भी मैं ऐसे ही ना गीले कपड़े से कभी नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे कपड़े से करती हो, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कॉलिन लगा लेती हूँ कपड़े में, तब जाके करती हूँ। गीले कपड़े से तो लकड़ी लोहे को आप कभी भी ना करें। और मुझे एक कमेंट आता है, आप ना इतनी साफ़ सफाई करते हो, आप थकते नहीं हो? ये ऑफिशियली बात है, अगर सफाई करेंगे तो थकान तो होगी होगी, लेकिन क्या है ना, हम जितना सोचें ना कि थकान हो रही है, उतनी ज़्यादा थकान और होती है ना। इस रूम की सफाई हो तो गई है, लेकिन अभी बस धुलना बाकी है, धोया नहीं है, और सारी जो साफ़ सफाई थी सब हो गई है। और पता है इतनी थकान हो रही है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार सफाई में लग रही हूँ, और आज मंडे है, आज मेरा फास्ट भी है, और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी थी। और देखो इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं, मैंने सोचा बाद में धोती हूँ, क्योंकि मुझे गेट को भी थोड़ा सा, बाहर वाला जो जाली वाला गेट है उसे भी पहुँचना है, तो मैंने सोचा कपड़े धो के कब करती हूँ, नहीं तो यहाँ ना पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। देखो कपड़े देखोगे मेरे कितने सारे हो रहे हैं, ये देखिए मेरे कपड़े कितने सारे हैं, ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, धोने के बाद तभी ही मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, मुझे किसी ने बोला था, बहुत अच्छे सर हैं वो, कि मैं पंजाबी सूट पहन के पंजाबी लुक के मतलब कैरी करूं और उसमें ब्यूटी बनाऊं, तो वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये थोड़ा ऐसा काम था जिसमें मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज कर, और हवा भी आज टाइट हो रही है बहुत ज़्यादा।
मेरा रूम सारा साफ़ हो गया था, मैंने वाइपर से पानी लेके सारा रूम धोया भी था और देखिए सफाई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। बस इसमें ये पर्दे वर्दे सूख जाएंगे तो मैं पर्दे वर्दे भी टांग दूंगी। तो उसके बाद आ गई थी मैं अपना लंच बनाने के लिए। हालत तो ऐसी नहीं थी कि मैं लंच बनाऊँ, लेकिन भाई पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। तो इनकी आज फरमाइश हो रही थी, वैसे इतनी ऊपर से थकान, तो ये बोले कि आज कढ़ी चावल बना लो, इनका काफ़ी फेवरेट खाना है। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो बस मैं पकौड़े के लिए ना सिम मैंने घोल बेसन का जो घोल होता है वो कर लिया है। और बहुत से लोग पूछते हैं ये सरसों का तेल कहाँ से लाती हूँ, तो हमारे तो ज़्यादातर ससुराल से ही आता है। तो यहाँ देखिए अनमोल भी आ जाते हैं बार बार। तो ये मैं पकौड़े तल लेती हूँ, और मैंने ना इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बेसन का सिंपल घोल डाला है, उसमें नमक मिर्च डाल दिए हैं। और ये देखिए मेरे पकौड़े कितने अच्छे अच्छे बने थे ना। और जब आप घोल के अंदर ही बेसन मतलब बेसन में ही आप नमक मिर्च डाल दो, तो जो बाद में आप कढ़ी में डालते हो ना उसको ध्यान रखें, नहीं तो ज़्यादा मात्रा हो जाती है नमक मिर्च की, तो उसका भी स्वाद इतना नहीं आता है। तो यहाँ मेरे पकौड़े भी बन के रेडी हो गए हैं, तो बड़े फूले फूले से पकौड़े बने थे। तो ये तेल ना ज़्यादा हो गया था, तो इस तेल को मैं अलग निकाल लूँगी थोड़ा सा। तो मैं कढ़ी को छौंकने जा रही हूँ, या मैंने हींग जीरे में कढ़ी को छौंक दिया है, और ये कढ़ी थी। तो बस मेरी कढ़ी भी छुक गई है मेरी। अब मैं जब तक ये थोड़ी थोड़ी गर्म ना हो जाए ना, तब तक आप इसको चलाते ही रहना, क्योंकि जैसे मठा में कढ़ी बनती है तो फटने वटने का डर भी रहता है, और हल्की हल्की सी गर्मी सी भी होने लगी है ना तो मठा थोड़ा खट्टा हो जाता है अगर दही आपकी बाहर रहती है तो। फ्रिज वगैरह में रहती है तो कोई बात नहीं। और अनमोल देखिए मेरे पास ही बैठा हुआ है, वो फ़ोन देख रहा है, तो इनका भी फ़ोन आ गया था कि मैं आने वाला हूँ जल्दी, आप कुछ बना लेना खाने के लिए। तो यहाँ मैंने जो मैं मिर्च मसाले डालती हूँ, मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ कलर के लिए, और नमक मिर्च बस मैं यही डालती हूँ, और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो मैं इसे चला लेती हूँ, क्योंकि नमक भी एक साथ डल गया और मिर्च भी डल गई। तो उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा ये पक गई थी कढ़ी हल्की सी, तो मैंने उसके पकौड़े भी डाल दिए। तो ये देखिए मेरी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बहुत से लोग टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं, मैं सिंपल सी बना लेती हूँ। तो यहाँ बनाने लग गई हूँ मैं रोटियाँ, मुझे ना बहुत थकान हो रही थी, तो आप देख रहे होंगे मेरी जो रोटी बेलने की जो गति है वो कितना स्लो स्लो चल रही है ना, तो कभी कभी हो जाता है। तो मैं ना तीन तीन चार चार रोटी एक साथ बना रही थी, इसलिए मैंने कहा जल्दी से काम हो जाए और मैं जल्दी से बैट को पकड़ूँ। तो ये देखिए मैं रोटी भी सेक लेती हूँ, बस रोटी बनाई दी थी, उसके बाद मुझे चावल भी बनाने थे, क्योंकि इनकी भी ये था कि कढ़ी के साथ ना चावल हो, और कढ़ी के साथ चावल हो जाए ना तो बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ मेरा खाना बनके हो गया था रेडी, हम लोग खा लेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।